देखिए मुंबई टाइम्स की खास रिपोर्ट। मुंबई में मिठी नदी के 21 मीटर नीचे मेट्रो के लिए टनल तैयार कर लिया गया है। इसमें 2022 से सफर की तैयारी की जा रही है। मिठी नदी के नीचे बन रहे मेट्रो टनल का काम पूरा हो चुका है। मुंबई की पहली भूमिगत मेट्रो को धारावी से बेकेसी तक पहुंचाने के लिए मिठी नदी के करीब 21 मीटर नीचे टनल तैयार किया गया है। 2022 से मेट्रो से यात्रा करने की संभावना है। MMRCL ने जून 2019 में पानी के नीचे टनल तैयार करने का काम शुरू किया था। बीकेसी से धरावी के बीच 1.5 किलोमीटर का लंबा टनल तैयार किया जा रहा है। मिठी नदी के नीचे 1.1 किलोमीटर का टनल तैयार हो गया है। MMRCL अधिकारी के अनुसार 1100 किलोमीटर के मार्ग में केवल 242 मीटर के हिस्से में ही साल भर तक पानी रहता है, जबकि बचे हुए भाग में केवल हाई टाइड और बारिश के दौरान ही पानी आता है। धरावी से बीकेसी के बीच 1.5 किलोमीटर की दो टनल का निर्माण हो रहा है। इसमें से एक टनल का काम 1314 मीटर और दूसरे टनल का काम 956 मीटर तक पूरा कर लिया गया है। आपात स्थिति से निपटने और दोनों टनल को जोड़ने के लिए 154 मीटर की एक अलग सुरंग का निर्माण हो रहा है, जिसका काम 16 मीटर तक पूरा हो गया है। कप पीरियड में रोजाना 150 धमाके। कप पीरियड में जमीन से 22 मीटर नीचे मेट्रो स्टेशन और टनल तैयार करने का काम चल रहा है। इस काम को अंजाम देने के लिए यहां रोजाना करीब 150 धमाके किए जा रहे हैं। पेट्रोलियम जेल के माध्यम से विस्फोट कर चट्टानों को तोड़ने का काम किया जा रहा है। मेट्रो के एक इंजीनियर के अनुसार चट्टान में ब्लास्ट करने के लिए 8 से 9 मीटर ड्रिलिंग की जाती है। इसके बाद पेट्रोलियम जेल की मदद से धमाका कर टनल का निर्माण किया जाता है, जबकि जमीन की खुदाई के लिए 1 मीटर गहरी ड्रिल करने के बाद जेल से धमाका कर मेट्रो स्टेशन की खुदाई की जाती है। पानी के नीचे टनल की खुदाई के दौरान रोजाना 100 से 120 डंपर के बराबर मिट्टी बाहर निकाली जाती थी। 4 डिब्बों वाली ट्रेन के माध्यम से रोजाना 1200 से 1300 क्यूबिक मीटर मिट्टी टनल से बाहर निकाली जाती थी। MMRCL के अनुसार टनल बोरिंग मशीन की सहायता से पानी के नीचे एक दिन में केवल 10 मीटर तक ही टनल तैयार होती है। बीकेसी से धरावी के बीच बन रहे 1.5 किलोमीटर लंबे टनल का 90% काम पूरा हो गया है। अप्रैल 2020 तक इस रूट पर टनल का काम पूरा करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। आप देख रहे थे मुंबई टाइम्स की इस विशेष रिपोर्ट को।